सभी पहाड़ी भाई बंधुओं को पहाड़ प्रेमी आशीष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक जरूरी संदेश जो कि अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक उसे पहुंचाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो इसको जरूर समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। साथ में आप इससे लाइक भले ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप शेयर जरूर करें, अपने सभी पहाड़ी ग्रुपों में करें, लोगों को करें। अभी उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक योजना कहेंगे इसे, जो कि प्रवासी हैं, बाहर फंसे हैं, उनको उनके गांव तक छोड़ने की व्यवस्था के लिए ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए। यहां पर आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिए होंगे, अगर आप रह गए हैं तो आप जरूर समझिए कैसे भरना है, वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप से समझ लीजिए। चलिए, आपके लिए आपका जो पेंडिंग स्टेटस वो अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए गाड़ी आएगी, आपको घर छोड़ देगी। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा सिलसिला। अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है गांव में। देखो, गांव वाले हैं, ग्राम प्रधान हैं, इनकी भी काफ़ी जिम्मेदारी है, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर कुछ आया है, और प्रेशर नहीं है, ये आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए ही ऐसे कदम उठाए गए हैं। तो इनसे आप बदसलूकी बिल्कुल ना करें। यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपसे बता दूँ, दो घटनाएं बताता हूँ मैं आपको अपने ही ब्लॉक की। पौड़ी गढ़वाल में नैनीडांडा ब्लॉक के अंतर्गत दो गांव में ऐसी घटना हुई। एक जगह एक ही गांव में दो लोग गए दिल्ली से, अब दोनों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ। एक को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रख दिया, दूसरे को भी क्वारंटाइन के लिए कहा गया, लेकिन उनने नहीं माना, उनके घर वालों ने नहीं माना। थोड़ा सा उनका गांव में रवैया दूसरे टाइप का था और वो अपने घर में रहने लगे। देखो, भगवान ना करे कुछ गलत हो, लेकिन ऐसा गलत है। दूसरे गांव की मैं आपको स्टोरी बताता हूं, वहां पर क्या हुआ। शहर से लोग गए, अपनी गाड़ी लेकर के गए, और वो गांव में जैसे ही प्रधान ने उन्हें कहा कि आप क्वारंटाइन सेंटर रहिए, उन्होंने कहा जी हम नहीं रहेंगे, अब अपने घर ही रहेंगे। अब घर में उनके मम्मी पापा है, पूरा परिवार है, उन्होंने कहा कि या तो हम वापस चले जाते हैं या तो हम अपने घर ही रहेंगे। यहाँ पर जरूरी सेंटर बनाए गए हैं, आप उन्हीं सेंटर में रहिए, अपने पैसे का, अपने ताकत का बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखाना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ एक सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ही रहिए आप, 14 दिन की बात है, और भरोसा हमें कि आप सुरक्षित हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आत्मसंतुष्टि के लिए, गांव वालों की संतुष्टि के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए, अपने परिवार वालों की संतुष्टि के लिए, देखो आने जाने में चाहे अपनी ही गाड़ी से क्यों नहीं गए हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में डाउट तो आ ही जाता है। बस उस डाउट के लिए आप वहीं रहिए जहाँ पर आपकी व्यवस्था की गई है। क्वारंटाइन सेंटर चाहे वो स्कूल बनाए गए हैं, चाहे वो पंचायत घर बनाए गए हैं, चाहे वो सामुदायिक भवन कोई भी हो, गांव में बनाए गए हैं। साथ में वहां पर प्रधान के द्वारा या सरकार के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, तो वहां पर ये ना कहें कि ऐसा खाना हम नहीं खाते, हम तो वैसा खाते हैं। कोऑपरेट जरूर कीजिए, और जिस गांव में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, प्रधान जी से कहिए जरूर आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। बस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें कि बस आप ग्राम प्रधान को, गांव वालों को, खुद को, अपने परिवार वालों को सपोर्ट जरूर करें, कोई भी उनके साथ बदसलूकी बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।